हाय गाइस, सो इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ रात के 2:30 बजे, आप यहाँ पे टाइम नीचे देख पा रहे होंगे शायद स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, ऑलमोस्ट 2:40 AM। आज डेट है 10th और थर्सडे शुरू हो गया है। कल मार्केट की यानी आज ही सुबह मार्केट की वीकली एक्सपायरी भी है। देखिए एक्सपायरी में क्या होगा मैं नहीं जानता, बट हम पोजिशनली बात करेंगे इस वीडियो में। आई विल गिव यू 99 रीजन्स वाई यू शुड लॉन्ग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एट करंट मार्केट प्राइजेस। एंड जस्ट जॉकिंग, 99 रीजन्स देने के लिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा कि क्यों मेरा इस समय इतना कन्विक्शन है मार्केट में लॉन्ग करने का। और आपको कुछ नई बातें सिखाऊंगा जो आपको शायद पहले से मालूम हो, मगर आपने प्रैक्टिकली वो कैसे होती नहीं देखी होगी, थ्योरेटिकली आपने शायद सुनी हो, और अगर नहीं सुनी होगी तो आपको मैं आने वाले समय में इन पे और डिटेल्ड में वीडियोस ला के समझाऊंगा। ये टॉपिक्स कुछ हैं जो हम वेबिनार में भी कवर करते हैं। मेरा वेबिनार इस सैटरडे संडे को है, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स वगैरह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। फीस 10,000 है। देखिए दोस्तों, मैं जो भी बातचीत करता हूँ इस चैनल पे, मैं सिर्फ और सिर्फ लॉजिक डेटाबेस सेटअप के हिसाब से करता हूँ। अगर मैं भी तुक्केबाजी करूँगा तो फिर तो मार्केट में हो गया काम। तो देखते हैं दोस्तों, करंट मार्केट प्राइसेस पे मार्केट मुझे क्यों लगता है कि अच्छा खासा एक अपमूव दे सकती है, और कहाँ तक का वो अपमूव आ सकता है मिनिमम से मिनिमम। कंजर्वेटिवली हम उसके बारे में बात करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए एक बात और मैं यहीं पे कह देता हूँ, ये जो मैं आपको बातचीत कर रहा हूँ ये मेरा पर्सनल व्यू है, मेरी एनालिसिस है। मेरा आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि कल आप सुबह जाके मार्केट के 10 लॉट फ्यूचर्स के खरीद लीजिए। आप अपनी समझ से ही ट्रेडिंग कीजिएगा। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एट ऑल। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं निफ्टी की। सेम व्यू आप बैंक निफ्टी में निकाल सकते हैं। अगर आपने सुना हो कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्जेंस, तो देखिए दोस्तों मार्केट में डाइवर्जेंस की तरह एक और कॉन्सेप्ट है जिसको इतना ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, उसको हम कहते हैं हिडन डाइवर्जेंस। तो मार्केट में इस समय बन रही है हिडन पॉजिटिव डाइवर्जेंस, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा चार्ट पे। आप देखोगे कि निफ्टी का जो चार्ट है, निफ्टी का ये वाले लो से मैंने इस लो को कनेक्ट किया है, इस ट्रेंड लाइन से ये है ऊपर की तरफ। और अगर आप RSI इंडिकेटर की बात करोगे जो हम डाइवर्जेंस के लिए यूजुअली यूज़ करते हैं, तो ये जा रहा है नीचे की तरफ। यानी मार्केट, इसका आप सिंपल कंक्लूजन ये निकाल सकते हो, ये मार्केट इस समय हाईली ओवरसोल्ड है। मार्केट लास्ट टाइम जिन लेवल्स पे, इस लेवल पे जाके ओवरसोल्ड हुई थी, उससे नीचे है RSI, जबकि मार्केट ऊपर है। दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न जो 100 में से यू कैन से 98 टाइम्स अच्छे से काम करता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो दोस्तों इस समय मेरी कन्विक्शन और बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसा ही पैटर्न हमें पहले भी देखने को मिल चुका है निफ्टी के अंदर। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए मार्क कर रखा है, जब निफ्टी क्रैश से पहले, 12,400 से पहले जब निफ्टी ने इसी तरह का पैटर्न बनाया था, ये भी एक बुलिश डाइवर्जेंस थी। इसके बाद निफ्टी में एक गैप अप हुआ, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम आया। अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट उस समय की तरह और ऊपर चली जाएगी, एक नया हाई बना देगी। इस समय पैटर्न डिफरेंट बन रहा हो सकता है। मार्केट यहाँ से एक लोअर हाई बना के अगेन नीचे आ सकती है। सेल ऑन राइज का अटेम्प्ट हम अभी भी लेंगे, बट मार्केट ऊपर जाने को कहाँ तक जा सकती है, अब उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी ऐसा हमें ऑप्शन चेन और बहुत सारे डेटा पॉइंट्स कह रहे हैं, बट ये डाइवर्जेंस खत्म हो जाती है मार्केट की जैसे ही मार्केट 100-200 पॉइंट्स ऊपर जाती है। और आप देख पा रहे होगा कि मार्केट ने ऑलरेडी 200 का लो बना के ऑलमोस्ट 78 पॉइंट्स तो अपमूव दे दिया है। कल मार्केट गैप अप होगी ये भी काफ़ी श्योर है, क्योंकि इस समय वर्ल्ड मार्केट्स हाईली पॉजिटिव है। तो यानी जो हमारा एक अपमूव की उम्मीद थी वो आ गई। अब ये अपमूव और कितना आ सकता है, कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए कल आपको मैंने, आज की वीडियो में मैंने आपको कल थर्सडे के लिए लॉन्ग करने के लिए कहा है निफ्टी को 11,350-11,360 के आसपास, 360। इसके पीछे का भी रीज़न समझते हैं। इस समय निफ्टी की जो 20 पीरियड की EMA है दोस्तों, वो खड़ी है 364 पे। और जब जब निफ्टी थोड़ा और ऊपर जाएगा, टाइम बिताएगा नीचे से ऊपर जाने में, ये आ जाएगी ऑलमोस्ट 360 तक। तो इस कारण से मैंने आपको 360 के अबव अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो लॉन्ग करने को कहा है, क्योंकि इसके नीचे निफ्टी आया है बहुत लंबे समय के बाद। जब जब निफ्टी ने करेक्शन दिया है इसके ऊपर ही टिका है, इसके ऊपर ही टिका है। तो इस बार निफ्टी इसके नीचे आया है, तो अब ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। जब ये निकल जाएगी तो फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले लेवल की तरफ। अगला लेवल भी दोस्तों हार्मोनिक पैटर्न्स, बहुत सारे तरीके हैं निकालने के, आप फिबोनाची को यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को लेमन लैंग्वेज में बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊँ जो आपको समझ में आ जाएगा, तो आप यहाँ पे बोलिंजर बैंड से भी आइडिया लगा सकते हो, विच इज़ वेरी सिंपल टूल जो सभी रिटेल प्लेयर इजीली समझते हैं, यूज़ करते हैं।
तो बोलिंजर बैंड के हिसाब से निफ्टी का अगला टारगेट आएगा 405-410, आप 400 से 410 की रेंज मान लीजिए। अगर निफ्टी इस लेवल को निकालता है तो ये हाईली पॉजिटिव होगा, जिस केस में निफ्टी काफ़ी ज़्यादा सर्टेन हूँ मैं कि इस लेवल तक जाएगा जो कि है 650 का। तो इस तरह से जो आपको मैंने लेवल्स दिए आप उनको वैलिडेट कर सकते हो, आपको लॉजिक समझ में आया, यू कैन अलाइन विथ मार्केट्स बेटर। मार्केट इस समय काफ़ी ज़्यादा हाईली ओवर सोल्ड है। आप देखोगे कि बोलिंजर बैंड की लोअर लाइन से मार्केट ने सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ आ रही है, तो मार्केट साइडवेज है कम्प्लीटली। बोलिंजर बैंड से आप ये भी पता लगा सकते हो, बोलिंजर बैंड के हिसाब से मार्केट एकदम साइडवेज है। मैंने आपको ऐसा 2 दिन पहले वीडियो में बताया भी था। और साइडवेज मार्केट में प्राइस एक्शन वगैरह से ज़्यादा आपको डेटा पॉइंट्स और कुछ और टूल्स को यूज़ करना होता है, तो दिस वॉज वन ऑफ देम एंड देर आर मैनी अदर्स जो इस समय एक अपसाइड के बारे में हमें बता रही है। नाउ मार्केट मे रिमेन अपसाइड फॉर कपल ऑफ वीक्स मंथ्स और दिस मे हैपन इन वेरी शॉर्ट टाइम, काफ़ी जल्दी से मार्केट ऊपर जाके वापस नीचे आ सकती है, मार्केट यहाँ तक जाके भी घूम सकती है। तो कहाँ तक जाएगी उसके बारे में आपको मैंने लेवल्स दिए, स्टेप बाय स्टेप काम होगा। बट आज हमने निफ्टी को लॉन्ग किया था, बैंक निफ्टी को लॉन्ग किया था, वी आर ऑलरेडी इन प्रॉफिट एंड नाउ लेट्स सी मार्केट यहाँ से और कितना ऊपर जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये हिडन पॉजिटिव डाइवर्जेंस समझ में आया होगा। आप डिटेल्ड में एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आप मेरा वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस पर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। दिस इज़ अ वन ऑफ द टॉपिक्स जो काफ़ी अच्छा है, आपके खुद काम आ सकता है अपने सेल्फ स्टडी में फ्यूचर में और बहुत सारे स्टॉक्स को पता लगाने के लिए। थैंक यू गाइज़।